चुनाव से ठीक पहले मोदी सरकार द्वारा वित्त मंत्री पीयूष गोयल के माध्यम से अंतरिम बजट संसद में पेश करवाया गया। इसमें बेरोजगारों को लेकर बेहद दिलचस्प और सार्थक घोषणाएं की गई है। शिक्षा, युवा और रोजगार से जुड़े हुए कुछ योजनाओं का ऐलान किया गया है। इसमें 7.23 लाख करोड़ रुपए के और 15.56 करोड़ के मुद्रा लोन बांटे गए और वहीं स्टार्टअप के लिए दूसरा सबसे बड़ा हब बन गया है, इसकी भी जानकारी दी गई। यह भी कहा गया कि 1 करोड़ रुपए तक के कर्ज की योजना भी शीघ्र शुरुआत की जाएगी। श्रमिकों के लिए भी ऐलान किया गया है, इसमें 7,000 रुपए तक का बोनस मिलेगा। ग्रेच्युटी की सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख किया गया है। 60 साल की उम्र में कम से कम 3,500 रुपए पेंशन मिलेगी और पेंशन योजना के लिए हर महीने सिर्फ 100 रुपए ही सरकार लेगी। गैर संगठित क्षेत्र के 10 करोड़ लोगों को इसका फायदा मिलेगा। कार्य क्षेत्र में हादसे में मौत पर पहले 2.5 लाख दिए जाते थे, अब उसे बढ़ाकर 6 लाख कर दिया गया है। न्यू पेंशन स्कीम में कर्मचारियों का हिस्सा 10% अब तक था, सरकार ने इसे बढ़ाकर 14% कर दिया है। 31,000 रुपए महीना कमाने वालों को बोनस मिलेगा। ग्रेच्युटी को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है। इसी तरह आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सैलरी भी 50% तक बढ़ा दी गई। मजदूरों की अचानक मौत पर 6 लाख रुपए मिलेंगे और प्रधानमंत्री की श्रमिक मानधन योजना के अंतर्गत 3,500 रुपए दिए जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे।